अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट। आज मुद्दे में हम बात करेंगे राजनेताओं के उन जहरीले बोलों की जिन्होंने देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली को आग वह हिंसक वारदातों के हवाले कर दिया। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे मुट्ठी भर नेता आज खुश हो सकते हैं। खुश होने की वजह भी है CAA व संभावित NRC के मुखालफत व समर्थन ने समाज को दो भागों में जो बांट दिया है। गोलियां चल रही हैं, बसें, वाहन, दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है, पुलिस को गोली मारी जा रही है और वो भी सामने खड़े होकर। अधिवक्ताओं के आंदोलन के दौरान हुई मारपीट की घटनाओं ने दिल्ली पुलिस को इतना आतंकित व असहाय कर दिया था कि वे गुहार लगा रहे थे कि हम भी इंसान हैं। लेकिन अब जबकि इतना कुछ संयोग या प्रयोग के नाम पर हो रहा है, दिल्ली व देश के हुक्मरान खामोशी की चादर ओढ़े गुनगुनी धूप का मजा ले रहे हैं। कुछ इस तरह रोम जल रहा है और बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है, बर्बादियों का जश्न मनाया जा रहा है। गोपाल हो या फिर शाहरुख, दोनों के ही हाथ में हथियार लहरा रहे हैं। सोशल मीडिया के जहर में दोनों के समर्थक और जहर घोल रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के अध्यक्ष अपने दो दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए थे। बीते सोमवार अमेरिकी राष्ट्रपति अहमदाबाद व आगरा थे और मंगलवार को दिल्ली। सभी लोगों और मीडिया का सारा ध्यान उन्हीं के दौरे पर था, लेकिन शाम होते होते हालात बदल गए। अब ट्रंप की जगह मीडिया और सभी का ध्यान दिल्ली पर केंद्रित हो गया था। यहाँ बसों, वाहनों, दुकानों में आग लगाई जा रही थी, पथराव किया जा रहा था और फायरिंग भी की जा रही थी। एक आवाज ये भी सुनाई दे रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन दिवस पर इन हिंसक वारदातों के लिए चुना जाना महज एक इत्तफाक नहीं है, इसे भारत की छवि खराब करने की दिशा में एक सुनियोजित साजिश करार दिया जा रहा है। हालात ये हैं कि धारा 144 लगाने के साथ ही कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए और 4 संवेदनशील जगह मौजपुर, जाफराबाद, करावल नगर, बाबरपुर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। पिछले 3 दिन से जारी हिंसा में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। 2 जवानों पर दंगाइयों ने एसिड से भी अटैक किया है। 3 दिन बाद ही सरकार हरकत में आई और पुलिस कमिश्नर ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। हालात की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार के मुसीबत में हमेशा से तारण पाल रहे NSA अजीत डोभाल को मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अब सेना की तैनाती की जानी चाहिए। CAA के विरोध में एक बारगी फिर से विरोध आंदोलन ने आग पकड़ी और इस आग ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली पुलिस का एक जवान दंगाइयों की गोली से शहीद हो गया। कुल मिलाकर विरोध व समर्थन के इस दंगे ने 9 लोगों की जान ले ली, जबकि 140 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। 25 से ज्यादा दुकानें व 35 से ज्यादा वाहन नफरत की आग में फूंक दिए गए हैं। पेट्रोल पंप और एक धार्मिक स्थल को भी नहीं बख्शा गया। भीड़ ने आप विधायक के घर में भी घुसकर उत्पात मचाया। देश की राजधानी दिल्ली मौजूदा दौर में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और LG के बीच फुटबॉल बनी हुई। सब कड़ी कार्रवाई की मांग की। सबको मरवा दो जो वोट ना दे तुम्हें। मिलवाओ, बात करो उनसे। मजे बना रखे, मजाक बना रखे, यहाँ खड़े हैं लोग। दिल्ली जल रही है, किस लिए बिठाया सीट पर? अरे थोड़ी देर से चल।
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गंभीर बात यह भी है कि इन हिंसक वारदातों में आमजन आगे आकर मोर्चा ले रहा है, आगजनी कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लेकिन इन्हें भड़काने वाले सभी नेता आराम से धीमी आंच पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आनंद ले रहे हैं। मारे गए इन 8 लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आमजन को हिंसा के लिए भड़काया हो। जो वीडियो सामने आ रहे हैं निसंदेह वो विचलित करने वाले हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते उन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता है। इनमें ही से कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिनमें पुलिस पथराव कर रहे लोगों की अगुवाई कर रही है। एक वीडियो में पुलिस को आम लोगों से पत्थर इकट्ठा कराते हुए भी दिखाया गया है। सीए में दिल्ली की हिंसा एक ज्वलंत मुद्दा है, हमारी नजर बराबर इस पर बनी रहेगी। इस बीच आप अफवाह पर ध्यान न दें, अपना ख्याल रखें और संयम बनाए रखें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।